पढ़ता बिहार नीतीश कुमार शिक्षित बिहार करके ट्वीट कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि जो चंद्रशेखर जी ने कल जो ट्वीट किया था तेजस्वी बिहार करके जदयू ने कहा है कि शिक्षित कुमार बढ़ता बिहार तो इसमें बुराई क्या अच्छी बात है ट्विटर वाले अरे भाई इसमें कहाँ कोई तकलीफ अच्छी बात है ना भाई कह रहे ट्विटर की हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना जो महागठबंधन बना अब महागठबंधन के नेता कौन है आदरणीय लालू जी और नीतीश जी 15 में इन लोगों ने बनाया था फिर से पुनः बना है और हम सब लोगों ने फैसला किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन फिर से बनाएंगे और काम करेंगे बीजेपी करेगी भाजपा को तो रोका नहीं भाजपा तो डरी हुई है ना भाई चाहता कुछ ना कुछ हो तो हम लोग पहचानते हैं ना लोगों को कि कौन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है क्या कर सकते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं काम करना चाहते हैं बयान वीर जो लोग हैं उनके पास लोग हैं क्या जो लोग हैं बिहार के लोग वो लालू जी के साथ हो नीतीश जी के साथ हैं बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है ट्विटर की सरकार नहीं है काम की सरकार है सत्ता में रहते हुए बयान दे रहे हैं काम की सरकार कह रहे हैं ट्विटर की सरकार नहीं काम की सरकार कौन जेडीयू के लोग कह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई सरकार तो काम से ही होती है ना ट्विटर पे तो अपनी बात को लोग रखते हैं सर बारिश क्या बुराई सर बारिश क्या बुराई सर बक्सर जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं होगी तब तक जो है साफ सफाई को लेकर के जो रैंकिंग में हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार जो पटना खासतौर पर जो है ऊपर आए तो सबका पार्टिसिपेशन होगा तो एक बेहतर ढंग से जो है हम अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रख सकते हैं तो इसलिए लोगों को इन्वॉल्व भी किया जा रहा है और डिपार्टमेंट द्वारा नगर निगम द्वारा जो है काम भी किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव अरविंद किशोर हों या नगर आयुक्त निमेश जी हों लोग लगे हैं हम लोग कि पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य जो बड़े शहर हैं या शहर हैं उनको हम लोग साफ सुथरा बनाए रखें और आप देखिएगा इसके साथ साथ जो है हेल्थ का भी यानी 630 जगह ऐसा था जहाँ कूड़ा स्थल था अब वहाँ हर जगह हेल्थ वाले लोग भी हेल्थ कैंप भी लगेगा जहाँ निशुल्क जो जांच होगी दवा भी दिया जाएगा तो ये रोटेट करेगा लगभग 90 घाट है जिसकी साफ़ सफाई जो है करना हम लोग चाह रहे हैं और आज जो है इसकी शुरुआत दीघा से हो रही है तो ये एक बड़ा अभियान है इसमें चाहेंगे कि सब लोग जो है पार्टिसिपेट करें बड़ा कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा किया गया है मेयर और डिप्टी मेयर नजर नहीं आए अब उनकी मर्जी है भाई अब कितने जिम्मेवार लोग हैं इस पर दिखाता है सर नीतीश बढ़ता बिहार नीतीश कुमार शिक्षित बिहार करके ट्वीट कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि जो चंद्रशेखर जी ने कल जो ट्वीट किया था तेजस्वी बिहार करके जदयू ने कहा है कि शिक्षित कुमार बढ़ता बिहार तो इसमें बुराई क्या अच्छी बात है अरे भाई इसमें कहाँ कोई तकलीफ अच्छी बात है ना भाई कह रहे ट्विटर की हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना जो महागठबंधन बना अब महागठबंधन के नेता कौन है आदरणीय लालू जी और नीतीश जी 15 में इन लोगों ने बनाया था फिर से पुनः बना है और हम सब लोगों ने फैसला किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन फिर से बनाएंगे और काम करेंगे बीजेपी करेगी भाजपा को तो रोका नहीं भाजपा तो डरी हुई है ना भाई चाहता कुछ ना कुछ हो तो हम लोग पहचानते हैं ना लोगों को कि कौन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है क्या कर सकते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं काम करना चाहते हैं बयान वीर जो लोग हैं उनके पास लोग हैं क्या जो लोग हैं बिहार के लोग वो लालू जी के साथ हो नीतीश जी के साथ हैं बाकी जिसको जो बयान देना देते रहे उससे क्या फर्क कह रहे हैं ट्विटर की सरकार नहीं है काम की सरकार है सत्ता में रहते हुए बयान दे रहे हैं काम की सरकार कह रहे हैं ट्विटर की सरकार नहीं काम की सरकार कौन जेडीयू के लोग कह रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई सरकार तो काम से ही होती है ना ट्विटर पे तो अपनी बात को लोग रखते हैं सर बारिश क्या बुराई सर बारिश बुराई सर बक्सर